दिल में कई बातें हैं पर कहने का अंदाज नहीं है और किस तरीके से कहा जाए ये शुरुआत करनी नहीं आती पर आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने का ये डायरेक्ट तरीका ही सही है सो so, सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कम से कम काफ़ी लोगों को बेवकूफ बनाने में और सक्सेसफुली और कंटिनुसली बेफकूफ बनाए रखने में बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कामयाब रहे हैं नंबर दूसरी बधाई मोदी जी को कि उनके पास एक ऐसी उल्लुओं की सेना है जिसे ट्रॉल कहो या भक्त कहो या आरआरएस के प्रचारक कहो जो हर गलत बात को सही साबित करने में बिल्कुल लगे रहते हैं तीसरी बधाई ऐसे लोगों से घिरे रहने के लिए जो मोदी गुणगान में रहते हैं कि हर टाइम मोदी जी ही सही हैं सो ऑब्वियसली काबिलियत होनी चाहिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और मोदी जी में जो कि पहले आरआरएस के प्रचारक थे अब रिलायंस के सेल्समैन हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों काम वो अच्छी तरह करते हैं बहुत ही छोटी सोच के इंसान बहुत ही इगोइस्टिक और अहंकारी प्रवृत्ति के इंसान ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के तो मजबूरी है आपकी रिस्पेक्ट करना इसलिए मोदी जी कहा जा रहा है अभी रिसेंटली आपने आ, आपने या कह दीजिए आपकी सरकार बट डायरेक्ट आपको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आपके मर्जी के बिना आपकी सरकार में पत्ता भी नहीं हिल सकता क्योंकि आप सब के बॉस हैं जिस तरीके से एन को बैन करने की कोशिश की गई है या बैन किया जा रहा है वो आपकी घटिया सोच को दिखाता है कि बहुत ही घटिया सोच है आपकी आपसे और कोई उम्मीद भी नहीं थी जिस तरीके से जुमलों से आप जीते पंद्रह लाख लोगों को दिए जिस तरीके से डॉलर का रेट चालीस रुपए पे आप ले आए और पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में इतने करने के बावजूद भी आप उसे बैलेंस रखा और टैक्स बढ़ाते गए तो ये चीज़ें हमें बता रही थी आप किस तरीके से आप अब काम कर रहे हैं और रही बात आपकी पार्टी बीजेपी की वो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को बांटने में या जो कम्युनिटी बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश में कामयाब होती आ रही है वो आपके काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान में डाइवर्ट कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन को अगर हम आज के डेट में पूछना चाहें गवर्नमेंट से या कोई भी मीडिया हाउस इस चीज़ को पूछना चाहे तो बहुत ही चलाकी और बहुत ही शानदार तरीके से उसे हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया जाता है या फिर भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है सो so कंग्रेचुलेशन ऐसा आज तक किसी सरकार ने किया नहीं, नहीं कर पाए एक्चुअली आप पहले प्रधानमंत्री हैं जो उस कम्यूनल जो खाई है उसको बांटने में कामयाब रह रहे हैं आज की डेट में आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि आप चिकन खाते हैं या बीफ तो आपने उसको भी हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि कोई क्या खाए क्या पिए उसको गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी और देशभक्ति पे क्या असर पड़ता है बीफ खाने वाले कम देशभक्त और चिकन खाने वाले ज़्यादा देशभक्त सो so, ये तो कॉन्सेप्ट आज तक मुझे समझ में आया ही नहीं है रही बात आप एक मर्डरर जिसने अखलाक की हत्या की फॉर बीफ ईटिंग राइट उस पे मंत्री आपके जाते हैं हिंदुस्तान का तिरंगा चढ़ाते हैं तो वो देशभक्त हो गया अगर कोई सैनिक आत्महत्या कर ले और कोई भी, भी विरोधी पार्टी का इंसान वहाँ जाता है चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो राहुल गांधी हो, वो उनको आप डिटेन कर लेते हैं क्योंकि वो शायद देशभक्त नहीं है या शायद उस इंसान जिसने आत्महत्या की कि उसने किसी भी इंसान का कत्ल नहीं किया था जो बीफ खाता हो सो so, उन्होंने तो सिर्फ दुश्मन सेना के बंदे ही मारे थे सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट आपकी हर बात दोगली और दकीन से भरी नज़र आती है बहुत ही मुबारक हो आपको आपकी सोच के लिए आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के सेल्फी प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि औरतों की इज्जत सेल्फी खींच के कीजिए या फिर उनको पढ़ा कर कीजिए और दूसरी तरफ आप आपके ट्रॉल आपके भक्त जो हैं वो उनकी बेइज्जती करते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं वेरी वेल डन आई एम प्राउड टू हैव ए प्राइम मिनिस्टर लाइक यू जो भी आपको क्वेश्चन करता है वो गलत है जैसे एन पर जो आपके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाए जैसे टाइम्स नाव पर अर्नब गोस्वामी जी टी के सुधीर चौधरी जो जेल भी जा चुके हैं रिश्वतबाजी के इल्जाम में वो आपके फेवरेट हैं एन Uh, तो आपको अखरेगा क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके जिसे कहते हैं अनबायस न्यूज़ रिपोर्टिंग आपको चाहिए इंडिया टी के रजत कपूर जैसे जो आपके जी में जी मिलाएं और देशी भाषा में कहें आपके सामने दो महिलाएं आप कहीं खड़े हों तो खड़े हो जाएं आप कहीं बैठे हैं तो बैठ जाएं सो विच मेक कंप्लीट सेंस सो आपको uh, और क्या तारीफ करें औरतों की इज्जत करना आप लोगों को सिखा रहे हैं आप अपनी वाइफ तक की इज्जत नहीं कर पाए बहुत ही शानदार तरीके से उसे आपने लोगों के सामने लाया और कभी भी उन्हें अपनाया नहीं सो वेल डन एक प्रधानमंत्री और एक अच्छे इंसान से यही हम uh, uh, अपेक्षा करते हैं वी एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम ए गुड पीपल ए गुड पर्सन बी स्पेली लाइक ए प्राइम मिनिस्टर लाइक यू जो भी आपसे सवाल पूछे जहां आप हार जाएँ वहां आप गलत तरीके से व्यवहार करते हैं आप अपने चेले चपाटों को उनके पीछे छोड़ देते हैं मुझे पता है इस वीडियो के बाद शायद आपके कुछ भक्तगण मुझे भी कुछ गालियाँ दें तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ बिकॉज़ मुझे मालूम है कि ये सब गालियाँ जो हैं ये इनडायरेक्टली उनकी सोच और जिस तरीके के संकीर्ण दिमाग और सोच वाले इंसान हैं उनके गुरु ऐसे हैं तो वो कैसे होंगे हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान में बांटना छोड़ें जिन वादों से आप आए हैं आगे प्रधानमंत्री बने उनको कीजिए आपको ढाई साल हो गए हैं मई में तीन साल हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है आप जिस भी मुल्क में गए हैं वहाँ अपने हिंदुस्तान की बेइज्जती कराई है चाहे चाह कर चाहे अनजाने में कोई भी सवाल किया जाए तो अगर आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों का जवाब होगा ओ कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में आपने क्या किया आ, आप पाकिस्तान चले जाओ सो टू लेट यू नो मैं ना इंडिया में हूँ इस समय ना पाकिस्तान जा सकता हूँ ना मुझे कुछ शौक है पाकिस्तान जाएंगे गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाएंगे फ़िलहाल तो मैं कैनेडा में हूँ और भी बहुत सारे सवाल हैं दिल में आप आ, हारे हुए लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं जो जिनको जनता नकार चुकी है चाहे वो अरुण जेटली हो चाहे स्मृति ईरानी हो आपके टीम में रेपिस्ट हैं निहाल चंद हैं पे केस चल रहे हैं और अमित शाह को तो बोलना चाहिए जिन पे अनगिनत मुकदमे चल रहे हैं फॉर एक्सटोरशन मडर सब आपकी सोच के बारे में मैं कहना भूल गया आप जिस तरीके से खूबसूरती से आप आ, स्पाई कराई आपने काफ़ी मैंने सुना है उसके बारे में मैंने कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं बट आपके इशारे पर कुछ लेडीज़ की जो स्पाई कर रहे थे आपके लोग उनका पीछा कर रहे थे बहुत ही बधाई हो आपको आप बिल्कुल एक आरआरएस के अच्छे प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से मैं बिग बॉस भी देख रहा हूँ बिग बॉस टैंड उसमें ओम जी आए हैं जो कि बहुत ही आपकी सोच के साथ संबंध रखते हैं हिंदुस्तानी परंपरा और मतलब इन चीज़ों के बारे में वो बहुत बात करते हैं सो so, काफ़ी पता लग रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया गया है एंड अप है जो जनता है वो थर्टी पर वन परसेंट आपको जताए हैं बाकी सिक्सटीन परसेंट भी देख रहे हैं आप किस तरीके से काम कर रहे हैं किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट चल रही है एंड होपफुली आपको बहुत जल्दी ही नेक्स्ट uh, इलेक्शन में पता लग जाएगा सो ऑल दी बेस्ट एंड रही बात एन की तो रवीश कुमार जी हम आपके साथ हैं वी लाइक योर रिपोर्टिंग आप जो कर रहे हैं वैसे करते रहिए एंड वी लव यू जो लोग सच्चाई के साथ हैं वो हमेशा बीजेपी और आरआरएस uh, के ख़िलाफ़ ही रहेंगे uh, और इसमें ऐसा नहीं है कि सारी आरआरएस के लोग खराब हैं लेकिन जो लोग ऊँची अहदे पे हैं वही लोग इसको बदनाम कर रहे हैं सो so, ये जो सोच है ये बदलनी पड़ेगी भारत माता की जय तो मैं बोल नहीं सकता और हिंद कहने से मैं पाकिस्तानी हो सकता हूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अच्छा कीजिए सही कीजिए और कंटिन्यू विद वच यू डूइंग थैंक यू बाय